हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स इंफिनिटी वॉर फिल्म की अल्टरनेट एंडिंग के बारे में। बोल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि इंफिनिटी वॉर फिल्म की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट की बुक को रिलीज किया गया है, जिस बुक को देखकर हमें काफी सारे नए आइडियाज मिलते हैं कि इंफिनिटी वॉर फिल्म को पहले काफी अलग तरीके से लिखा गया था, लेकिन डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाने की वजह से इस फिल्म में स्टूडियो ने काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस कर दिए, जिसकी डिटेल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे दी थी। लेकिन अब हमें कुछ और नई कॉन्सेप्ट आर्ट मिली है, जिसे देख कर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंफिनिटी वॉर फिल्म की एंडिंग जैसी हमने देखी है थिएटर में असल में वैसी नहीं थी, और जो इंफिनिटी वॉर का स्टार्ट में हमने ट्रेलर देखा था उस ट्रेलर में हमें हल्क नजर आया था वकांडा में, लेकिन फिल्म के एंड वाले बैटल में हल्क हमें नजर नहीं आया। और अब इस आर्ट कॉन्सेप्ट से ये साफ होता है कि फिल्म के एंड बैटल में हल्क भी था, और वो वहाँ पर बाकी अवेंजर्स के साथ थानोस को रोक रहा था और इन्फिनिटी गाउनलेट को निकालने का काम कर रहे थे कैप्टन अमेरिका। और साथ ही साथ हम वहाँ पर ब्लैक पैंथर और ब्लैक वीडियो को भी देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमें वहाँ पर ग्रूड और वॉर मशीन भी नजर आते हैं, और थॉर थानोस को स्टॉर्म ब्रेकर से मार रहा है। लेकिन अगली कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर हमें पता चल जाता है कि थानोस यहाँ पर अपने फिंगर को स्नैप करने वाला है, जिसके बाद यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन थानोस खत्म कर देगा, और शायद ऐसा फिल्म में भी होने वाला था। लेकिन ये सीन हमें फिल्म में दिखाया गया टाइटन प्लेनेट पर, और वहाँ पर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और गार्डियंस की टीम थी, जो थानोस को लगभग रोक रहे थे गाउनलेट को यूज करने से। लेकिन थानोस वहाँ से बचकर निकल गया और सीधे वकांडा जाकर उसने सभी के सभी इंफिनिटी स्टोन ले लिए और फिर आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी। ये असल फिल्म की एंडिंग है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म कहीं और जा रही थी, यानी कि अगर इस यूनिवर्स में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना था तो उन लोगों ने काफी अलग प्लानिंग करनी थी, और सडनली ये डील हो गई जिसके बाद फिल्म को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ा। और इसी रीजंस की वजह से अवेंजर्स 4 की भी शूटिंग रुकी हुई थी, ताकि वो लोग ये कंफर्म कर ले कि डिज्नी और फॉक्स की डील कंफर्म हो गई है, जिसके बाद आगे की शूटिंग उन लोगों ने कंप्लीट कर ली। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको जो फिल्म में एंडिंग दिखाई गई है वो सही है या फिर इस आर्ट कॉन्सेप्ट वाली एंडिंग। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।